नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ राइपनेस, और कार्ड ऑफ राइपनेस को हम कंपेयर कर रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो राइपनेस में जाने से पहले नाइन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा समझेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स और राइपनेस में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स में घट रहा है वही हम जो है राइपनेस में भी देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो है आप अपनी लाइफ की एक ऐसे स्टेज में है जिसको हम एक जूसी टाइम बोले, जिसको हम एक ऐसा टाइम बोले जहाँ पे आप अपने रिवॉर्ड्स को जी रहे हैं, जहाँ पर आप जो है एक लंबे प्रोसेस से गुजरे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में मैच्योरिटी कहे, कि एक टाइम था जब आपने एक्यूमुलेट किया था, जब आपने इकट्ठा किया था। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स वो टाइम हमें शो करता है जब आप उसको स्पेंड कर रहे हैं, जब आप उसको जी रहे हैं। इसलिए हमने एक फीमेल फिगर को वहाँ पे दिखाया है। तो जब भी बात होती है जीने की, जब भी बात होती है लाइफ की गहराई को दिखाने की, तब हम जो है फीमेल को वहाँ पे दिखाते हैं, तब हम वहाँ जो है फेमिनिटी को दिखाते हैं। इसलिए इसमें हम देख सकते हैं कि ये वुमेन जो है डीपली जो है अपने प्लेजर्स को जी रही है, अपनी लाइफ की एक्यूमुलेशंस को जी रही है। और हम देख सकते हैं कि वो रिलैक्स्ड है, किसी तरह का वहाँ पर कोई तनाव नहीं है, चीज़ें जो हैं स्वाभाविक ढंग से जो हैं घट रही हैं। एक अच्छा फ्रूटफुल समय, एक ब्लिसफुल टाइम जो है उसको जो है वहाँ पे शो किया गया है। और इसको जब हम राइपनेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी लाइफ को एक ऐसी स्टेज पे लेकर आया है जहाँ पे जो है अब वो रिलैक्स हो गया है, अब किसी तरह की कोई स्ट्रगल नहीं रही है, जो उसको पाना था लाइफ में वो उसने पा लिया है। दिस इज वॉट वी सी इन नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की। आइए बात करते हैं द कार्ड ऑफ राइपनेस की। कार्ड ऑफ राइपनेस में हम देख सकते हैं एक ऐसा फल जो कि पक चुका है, और जब फल पक जाता है तो वृक्ष से जो है अपने आप गिर जाता, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। तोड़ने में एक तरह की हिंसा है, तोड़ने में एक तरह की जल्दबाजी है। अगर फल जो है अपने टाइम पे पक गया है, उसकी जो है मैच्योरिटी आ गई है, तो नेचर का प्रावधान है कि वो अपने आप ही जो है उस पेड़ से जो है गिर जाएगा। और नेचर एक और चीज करती है, फल जब पक जाता है गिरता तो वो है ही, साथ में उसके अंदर जो है जूस भर देती है और दूसरा उसको सॉफ्ट बना देती है। ये मैच्योरिटी का साइन है, ये बताता है कि राइपनेस जो है घट गई है, कि फल जो है अपनी प्रकाष्ठा में जो है घट चुका है। इसलिए इस क्षण में जो है एक सुंदरता है, क्योंकि सब चीजें जो है बहुत ही स्वाभाविक ढंग से जो है घट रही है। और यही कार्ड का मैसेज भी है, कार्ड ऑफ राइपनेस का, कि चीज़ों के साथ जो है कभी भी जल्दबाजी मत करिए, उसको जो है अपने समय से पकने दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी आपकी स्टेज है, जिससे भी आप गुजर रहे हैं, उसका जो है पूर्ण स्वीकार चाहिए, और उस पूर्ण स्वीकार से आपके भीतर जो है एक राइपनेस का जो है जन्म होता, फल जो है पकना शुरू हो जाता है। और चीज़ें अधूरी रह जाती हैं जब आप उसके साथ जल्दबाजी करते हैं, जब आप उसको आर्टिफिशियल मेथड से उसको पकाने की कोशिश करते हैं। गुरु ओशो यहाँ पे जो है बोलते हैं कि राइपनेस तुम्हारे अंदर तभी घटेगी जब तुमने जो है अपनी जिंदगी को उसके पूरे स्वभाव में उसको जी लिया है। वो तो ये भी बोलते हैं कि अपने ईगो को जो है पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लो, अपने अहंकार को जो है पूरी तरह से जी लो, कि उसमें कुछ भी बचाना रह जाए। दूसरे अर्थों में सिंपल सा जो है अर्थ यही है कि अपनी जिंदगी को जो है पूरी तरह से जब आप जी लेते हैं, जब आप अपने संसार को जो है पूरी तरह से जी लेते हैं, तो एक बहुत एक स्वाभाविक ढंग से जो है आपके साथ एक स्थिति घटती है कि एक रिलैक्सेशन आपके अंदर घट जाती है, उस जिसको हम राइपनेस बोल रहे हैं। वो तनाव कुछ होने का, कुछ पाने का, कहीं पहुंचने का, वो सब जो है कहीं ना कहीं गिर जाता, लेकिन वो गिरता तभी है जब आपने जो है अच्छे से जो है भागा दौड़ी कर ली है। जो आप पाना चाहते थे वो आपने पा लिया है, और उसकी व्यर्थता का आपको पता चल गया है। बिना पाए, बिना उस स्थिति में पहुंचे राइटनेस जो है घटती नहीं है, जिसको हम बोलते हैं हारे को हरिनाम। वो स्थिति तभी घटती है जब आप अच्छे से जो है आपने अपने ईगो को एक्सप्लोर कर लिया है, आप हार चुके हैं पूरी। और मेरा मतलब हारने से यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, मेरा मतलब हारने से है कि आपने अपने डिजायर्स को एक्सप्लोर कर लिया है, आपने अपनी इच्छाओं को जी लिया है, आप जो पाना चाहते थे वो आपने पा लिया है, और उसको पाने के बाद जो है जीवन की जो है एक व्यर्थता के बारे में पता चला, कि जिन चीज़ों के लिए आप दौड़ते थे वो आपको मिल गई, और मिलने से एक भीतर जो है एक राइपनेस की स्थिति घटी,
फिर छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है समझने का। हम अक्सर जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो है जल्दबाजी करते हैं, हम अपने संसार को जो है फटाफट निपटा देना चाहते हैं। इंटेंशन मैं समझता हूँ कि कितना दुख मिलता है जब जब आप जो है डिजायर के अंदर जाते हैं, जब आप अपनी वासनाओं को जीते हैं, जब आप अपनी कामनाओं को इच्छाओं को जो है फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो कर करके उसको अच्छे से जी कर आपके अंदर एक मैच्योरिटी की स्थिति घटती है कि आप अपने भीतर जो है बहुत रिलैक्स हो जाते कि अब आपको जो है कोई टेम्पटेशंस अंदर से जो है तंग नहीं करती क्योंकि आपने उनको जी लिया। इसलिए जिस राइपनेस की जो है ओशो ज़ेन टैरो बात करता है, वो राइपनेस कुछ ऐसी है कि जब आपने अपने जीवन को अच्छे से जी लिया है, उस जीने में ही जो है आपके भीतर जो है वो मुक्ति जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। इसलिए लाइफ के प्रति कभी भी जल्दबाजी मत करिए, लाइफ के थ्रू जो है गुजरिए। लाइफ जो भी आपको दिखा रही है, अच्छा या बुरा, उसे बड़ी शांति से जो है उससे गुजर जाइए और उस गुजरने से एक दिन जो है आपके भीतर एक राइपनेस घटेगी कि फल जो है एक दिन अपने आप पक जाएगा और वृक्ष से गिर जाएगा। और जब फल अपने टाइम पे जो है जब गिरता है तो उसकी एक सुंदरता है। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि अगर आपको जो है अपनी ईगो को ड्रॉप करना है तो सबसे पहले ईगो होना चाहिए। अहंकार को छोड़ने से पहले अहंकार को जीना इम्पोर्टेंट, धन को छोड़ने से पहले धनी होना इम्पोर्टेंट। लेकिन अगेन मैं इस पॉइंट को भी जो है दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि इसको भी गलत समझा जा सकता है। मेरा सिंपल वे से जो है यही कहना है कि जब आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जो है जी लेते हैं, कि जब आप अपने संसार को पूरी तरह से जो है जी लेते हैं, अपने संसार के जो चक्र को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, उसी कंप्लीशन में जो है मुक्ति जो है अपने आप घटनी शुरू हो जाती। आप अटके तब रहेंगे जब आप उसको जिएंगे नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल सीकर के अंदर जो है एक ग्रीड हो सकता है कि वो फटाफट वो निपटे अपने संसार से और प्रॉपरली जो है अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करे, लेकिन जो उसने पूरी तरह से नहीं जिया है वो वहां पे जो है उसकी ऊर्जा अटकी रहेगी। इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत समझना कि यहाँ पे जो है जल्दबाजी कभी मत करिए, चीजों को अपने ढंग से घटने दीजिए, अपना समय लेने दीजिए जितना समय लगता है। बोध का पल आया, परिपक्वता का समय, फल पककर गिरे बिना किसी शोर के निर्भय, अंतर की समृद्धि अब जागी है सारी, साझा करने को मन में उठी एक प्यारी ब्यारी। मेडिटेशन की ज्योति जो हर रात्रि में चमके, मृत्यु भी द्वार बने दिव्यता में समाके, हृदय में वह प्रकाश जो सागर से मिलाए, जीवन का सार वही अनुभव जो अपनाए। अहम का पर्वत पहले पूरा चढ़ना होगा, पकने पर ही उसे पतन में मोड़ना होगा। मजबूत अहंकार ही सही में घुल सकता है, कमजोर अहंकार सिर्फ भ्रम में ही पलता है। समृद्धि में ही सच्ची विपन्नता का आभास, इच्छाओं का ना होना सही मायने में है खास। ज्ञान के परे जहां अनुभव की बात हो, सुकरात की समझ जहां मूर्खता से सौगात हो, परिपक्वता की इस प्रक्रिया में सब्र है साथी, समय के संग संग प्रकृति के नियम है माथी। पूर्णता की ये कविता सिखलाए जीने के माने, परिपक्व होने की सही मायने में मनुष्य कहलाए। तो जब जीवन में आपकी एक ऐसी स्थिति घट जाती है कि जब आप इच्छाओं के प्रति जो है आपके अंदर एक न्यूट्रल भाव आ जाता है कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं उसको लेके, कि आपके सामने टेम्पटेशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचती। हम इसको टेम्पटेशंस कहें, टिटिलेशंस कहें, एक्साइटमेंट कहें, एक बहुत एक न्यूट्रल भाव जो है आपके भीतर जो है आज, उस न्यूट्रल भाव के अंदर जिसको हम एक शून्यता का भाव भी कह सकते हैं, उसमें बहुत शांति है, उसमें होना जो है हमारा स्वभाव। एक बार की बात है, कुछ लोग जो है गुरु बहाउद्दीन को जो है मिलने जाते थे। उन लोगों ने गुरु बहाउद्दीन के आश्रम में प्रवेश किया और एक जो मेडिटेशन हॉल था वहां तक गए। वहां जाके वो क्या देखते हैं कि गुरु बहाउद्दीन जो है बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं और आसपास के जो लोग हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये देख के जो है लोग बड़े घबरा गए और वो घबराहट के कारण जो है वो फटाफट जो है वहां से निकल गए। उनको तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है यहां। फिर वो लोग जब वापस आते थे, उन्होंने सोचा कि एक बारी और जाके देखते हैं कि गुरु बहाउद्दीन के आश्रम में अब क्या हो रहा है।
वो दोबारा से उस मेडिटेशन हॉल की तरफ गए और गुरु बाउद्दीन बीच में ही बैठे हुए थे और उनके आसपास के जो लोग थे वो बिल्कुल एक अपनी एक शांत मुद्रा में जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। ये भी उनको जो है समझ में नहीं आया और उस वक्त जो है उन्होंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। उसके कुछ समय बाद वो दोबारा से जो है गुरु बाउद्दीन के आश्रम में दोबारा से वो देखने गए कि अब क्या स्थिति है। तो वो जब वो मेडिटेशन हॉल तक गए वहाँ पे उन्होंने दोबारा से देखा कि गुरु बाउद्दीन जो है बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं और इस बार जो है वहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा हॉल जो है खाली है और वो अकेले बैठे हुए हैं। तो इस बार जो है वो लोग जो है अपने आप को ना रोक सके, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बाउद्दीन से पूछना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है उनके आश्रम में। तो वो सब इकट्ठे होके जो है बाउद्दीन के पास गए। उन्होंने बोला, गुरु जी कि हम समझना चाहते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम जब आए थे तो आपके आसपास जो थे ये जो लोग थे पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे, कोई रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कोई कूद रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। फिर जब हम दूसरी बार आए तो वो सब लोग जो है शांत बैठे हुए, और उसके बाद फिर जो है तीसरी बार जब हम आए वहां पे कोई भी नहीं था। इस पहेली को हमारे सामने जो है सुलझाइए। तो गुरु बाउद्दीन ने बोला कि जब तुम पहली बार आए थे वो स्टेज ऐसी थी कि जब वो लोग जो थे अपने अहंकार को जी रहे थे, अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे थे, अपने अहंकार को जो है खाली कर रहे थे, जो भी अंदर भरा हुआ था उसको जो है बाहर फेंक रहे थे। और दूसरे शब्दों में उसको कैथार्सिस कहें, जो भी अंदर जो आपके अंदर कूड़ा करकट है उसको जब आप बाहर फेंक देते हैं तो आप जो है आपकी एक स्थिति ऐसी बनती है कि आप बिल्कुल खाली हो जाते। इसलिए जब आप दूसरी बार आए देखने के लिए तो वहां पे जो है सब लोग जो है शांत बैठे हुए, क्योंकि सारा कचरा जो है सब बाहर फेंक दिया गया। अब वो बिल्कुल अपने भीतर शांत हो गए, अहंकार जो है बिल्कुल शून्य अवस्था में हो गया था। तो लोगों ने कहा, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन अब वो लोग हैं कहाँ? तो गुरु बाउद्दीन ने कहा, अब वो और पागलों को जो है लेकर आएंगे, अब वो और पागलों को जो है वो शांत करेंगे, वो लोग जो अपने अहंकार की बीमारी के साथ जकड़े हुए हैं उनको मुक्त करेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें, जिन लोगों को तुम यहाँ नहीं देखते हो वो मुझ में समा गए, वो मेरे साथ एक हो गए, वो गुरु के साथ एक हो गए। तो जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह से संसार में जी लेते हैं तो एक स्थिति अपने आप घटती है, ठीक फल जो है अपने आप जो है पक्के गिर जाते, कि अहंकार अपने आप ही गिर जाता है, उसको गिराना नहीं पड़ता। और फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि जब आप गुरु के साथ एक हो जाते, उस प्रभु के साथ एक हो जाते, तो कार्ड ऑफ राइपनेस जो है उसी राइटनेस की तरफ इशारा करता है, उसी मैच्योरिटी की तरफ इशारा करता है, कि संसार को जो है पूरी तरह से जी लो, कि अपने संसार के चक्र को पूरी तरह से जो है उसको कंप्लीट कर लो, ताकि मुक्ति जो है तुम्हारे जीवन में संभव हो जाए। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।